ओके बेटा, हम लोग पहुंचे स्टैट्स में। ये चैप्टर का नाम है पार्ट एन सीपीएम सम्स वाले पेजेस। ये टेक्स्ट बुक का सुधीर प्रकाशन का क्वेश्चन 11 है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर अ पार्ट चार्ट फॉर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट एक्टिविटी 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 4-5, 3-6, 5-6, 9-11, 14-6, 7-3, 5-3-2। अब हमको एक पार्ट चार्ट बनाना है। सीपीएम यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है, सिर्फ पार्ट चार्ट बनाना, ठीक है? कोई टेबल वगैरह या पूरा टेबल फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। पहली एक्टिविटी 1-2, ये पहली एक्टिविटी 1-2। अब आप जब भी डायग्राम बना रहे हैं तो कुछ रूल्स हैं, कुछ उसूल हैं, ध्यान से सुनते जाना। जैसे पहली एक्टिविटी है 1-2, जितना हो सके 1 और 2 को दूर दूर ड्रॉ करो तो अच्छा। थोड़ा दूर नंबर्स को ड्रॉ करोगे तो ज्यादा अच्छा। 1-2, अब ये पहली एक्टिविटी हो गई हमारी 1-2, ठीक है? मैं धीरे धीरे और भी रूल्स बताते जाऊंगा, जैसे ये डायग्राम बनाते जाऊंगा। डायग्राम बनाने के कुछ रूल्स हैं। ये 1-2 बनाया, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाओगे तो अच्छा। और एक या दो बार गलती होती है, सबकी गलती होती है, चिंता मत करो। 1-2 हो गया, फिर 1-3, ये टाइम हम लोग बाद में लिखेंगे। 1-3, 1-2 हो गया, अभी 1-3, तो 3 को थोड़ा दूर बनाओ नीचे की तरफ। ये 1-3, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3। तो पहली एक्टिविटी थी 1-2, दूसरी एक्टिविटी है 1-3, और ये एरो से आपको सबको कनेक्ट करना है। 1-2 हो गया, 1-3 हो गया, इसके बाद लिखा हुआ है 2-3। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मैंने 2 ऊपर बनाया है तो आप लोग भी 2 ऊपर बनाओ या 3 नीचे बनाओ, वो आपकी मर्जी है, आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है 2-3, 2-3, तो 2 से लेकर 3 तक मैं एक एरो बनाऊंगा। 2-3, तो मैं 2 से लेकर 3 तक एक एरो बनाऊंगा। 2-3, ये 2-3, पहले था 1-2, फिर था 1-3, फिर है 2-3। तो 2 भी हमारा लिखा हुआ है, 3 भी लिखा हुआ है, सिर्फ बीच में एक एरो बनानी। इसके बाद है 2-4, 3-4, 2-4 और 3-4, तो यहाँ पे 2-4, तो मैं यहाँ पे एक 4 बना दूंगा। 2-4, इसको मैं लिख दूंगा 4, तो 2-4 में एक एरो बनेंगे। 2-4, ये 2-4, और फिर इन्होंने बोला है 3-4, तो एक एरो 3-4 भी बनेगी, 3 से लेकर 4 तक। तो एक था 2-4, 2 से लेकर 4 तक, और एक था 3-4, तो 3 से लेकर 4 तक, ठीक है? जितना बड़ा डायग्राम बना उतना अच्छा। उसके बाद है 4-5 और 3-6, 4-5 पहले, ये 4-5, 4-5, तो मैं यहाँ पे एक 5 बना देता हूँ। 4-5, ये 5, ये 4-5, और उसके बाद 4-5 के बाद है 3-6 और 5-6, 3-6, 5-6, ये 3-6, तो 6 को थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा। 3-6, तो यहाँ पे मैं एक 6 बना दूंगा। 3-6, और एक इन लोगों ने बोला है 3-6, और एक इन लोगों ने बोला है 5-6। पहले 3-6 बनाते हैं, ये 3 से लेकर 6 तक, ये 3-6, और एक इन लोगों ने बोला है 5-6, 5 से लेकर 6 तक, ये 5 से लेकर 6 तक। ये हमारा पार्ट चार्ट बन गया, ठीक है? एक बार चेक कर लें सारा। 1-2, 1-3, 2-3, ये 1-2, फिर ये 1-3, फिर ये 2-3, इतना हो गया। फिर इन लोगों ने पूछा है 2-4, 3-4, 4-5, 2-4, 3-4, ये 2-4, और ये 3-4, फिर इन लोगों ने बोला है 4-5, 3-6, 5-6, 4-5, 4-5, और 3-6 और 5-6, राइट है? मैं कुछ रूल्स बता रहा हूँ, पहले टाइम लिख दूं फिर रूल्स बता दूं। ये टाइम 1-2 का 11 आवर्स, 1-2 का 11, तो 1-2 के नीचे आपको लिखना है 11, 1-2 के नीचे आपको 11 लिखना है, 1-2, 11। इसके बाद 1-3 में 14, 1-3 का टाइम है 14, तो आपको 1-3 में लिखना है 14, ये 1-3, इसके नीचे आपको लिखना है यहाँ पे 14, 1-3 के नीचे 14 लिखना है, ठीक है? 1-3 के नीचे आपको लिखना है 14। फिर इन लोगों ने बोला है दूसरी एक्टिविटी कौन सी है, 2-3, 2-3 का टाइम है 6, तो 2-3 के नीचे आपको 6 लिखना है यहाँ पे,
सिक्स लिखना है, टू टू थ्री के नीचे, यहाँ राइट साइड लिखोगे तो चलेगा, टू टू थ्री के नीचे सिक्स। इसके बाद टू टू फोर का टाइम है सेवन, तो टू टू फोर के नीचे आपको लिखना है सेवन, सेवन मतलब टाइम सेवन, टू टू फोर जो एक्टिविटी है उसमें सेवन आवर्स टाइम लगेगा। ओके, फिर है थ्री टू फोर का थ्री, थ्री टू फोर का थ्री, तो थ्री टू फोर का टाइम है थ्री आवर्स, थ्री आवर्स, तो थ्री टू फोर जो एक्टिविटी है थ्री से लेकर फोर तक उसके नीचे आपको लिखना है थ्री आवर्स। इसके बाद है फोर टू फाइव का फाइव, फोर टू फाइव का टाइम है फाइव, तो यहाँ पे आपको लिखना है फाइव, फोर टू फाइव जो एक्टिविटी है उसके नीचे टाइम लिखना है फाइव। इसके बाद है थ्री टू सिक्स का थ्री, थ्री टू सिक्स का थ्री, ये जो एक्टिविटी है थ्री टू सिक्स इसका टाइम आपको लिखना है थ्री, यहाँ पे थ्री टू सिक्स का टाइम लिखा थ्री आवर्स। इसके बाद है फाइव टू सिक्स का टू आवर्स, तो फाइव टू सिक्स जो एक्टिविटी है उसके नीचे आपको लिखना है टू आवर्स, ये जो एक्टिविटी है फाइव टू सिक्स इसके नीचे आपको लिखना है टू आवर्स। अब मैं कुछ रूल्स बताता हूँ जो आप थियरी वाले पेजेस में लिखोगे, ध्यान से सुनना रूल्स। पहला रूल, कोई भी दो एक्टिविटी इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, नो टू एक्टिविटीज शुड इंटरसेक्ट और ओवरलैप, इंटरसेक्ट या ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप एक्टिविटी को राइट साइड बनाओगे चलेगा, राइट एरो बनाओगे चलेगा, लेफ्ट भी चलेगा, सुनते जाओ, राइट साइड भी एरो होगी, राइट एरो चलेगा, राइट साइड विल डू, ठीक है, लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो भी चलेगा, अब अपने नहीं सॉरी राइट चलेगा, ऊपर भी चलेगा, अपवर्ड एरो भी चलेगा, अप साइड विल डू, ठीक है, डाउन साइड भी चलेगा, आप लोअर साइड नीचे की तरफ एरो बनाओगे तो भी चलेगा, अब राइट साइड जा रहे हो चलेगा, अप साइड भी चलेगा, डाउन साइड भी चलेगा, लेकिन लेफ्ट साइड आपको कभी भी नहीं जाना, ठीक है, आपकी एरो कभी भी लेफ्ट की तरफ नहीं जानी चाहिए, लेफ्ट मतलब बैकवर्ड साइड, बैकवर्ड साइड आपका डायरेक्शन कोई भी एरो का कोई भी एक्टिविटी का नहीं होना चाहिए, तो लेफ्ट साइड विल नॉट डू, बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको नहीं जाना, राइट साइड जाओगे चलेगा, ऊपर भी चलेगा, नीचे भी चलेगा, पीछे की तरफ नहीं जाना, और कोई भी दो एक्टिविटीज इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और रूल्स बताऊं आगे, देयर शुड बी ओनली वन, देयर शुड बी ओनली वन स्टार्टिंग पॉइंट, देयर शुड बी ओनली वन स्टार्टिंग पॉइंट, और देयर शुड बी ओनली वन एंडिंग पॉइंट, मतलब एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होनी चाहिए और एक ही एंडिंग पॉइंट होनी चाहिए, देयर शुड बी ओनली वन स्टार्टिंग पॉइंट एंड ओनली वन एंडिंग पॉइंट, मतलब जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है वन, तो सारा डायग्राम वन से ही शुरू होना चाहिए, और एंडिंग पॉइंट है सिक्स, तो सारी एक्टिविटी सिक्स पे ही खत्म होनी चाहिए, ठीक है, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होनी चाहिए, एक ही एंडिंग पॉइंट होनी चाहिए। तो ये रूल्स लिखना अच्छे थे थियरी वाले पेजेस में, ये रूल्स थियरी वाले पेजेस में लिखना। अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, क्वेश्चन 11 सुधीर प्रकाशन, लिखना अच्छे थे, सम्स वाले पेजेस, थियरी में टोटल थियरी में 7-8 पेज लगेंगे, बाकी ये सब सम्स वाले पेजेस में लिखना। ये क्वेश्चन, ये आंसर, मेन जो डायग्राम के मार्क्स हैं, ये डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है, और ये रूल्स हैं, ये आप थियरी वाले पेजेस में लिखोगे, ठीक है, इतना लिखो सब लोग, इतना लिखो सब लोग, बेटा लिखते रहो।